स्वागत है आप सभी दोस्तों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में मैं संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है वाराणसी और वाराणसी का जो पहला ही गद्यांश है उसका मैं संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में संस्कृत खंड के गद्यांश का हिंदी अनुवाद और संदर्भ पूछा जाता है और यह प्रश्न कितने अंकों का होता है, आइए देख लीजिए। दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्रश्न संख्या होती है 6 और इस प्रश्न संख्या के अंतर्गत आपका प्रश्न आता है निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए और इसके आपको 4 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं दोस्तों? 4 नंबर मिलते हैं। तो आइए आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके पहले पाठ से, वाराणसी पाठ से, और पहला ही गद्यांश जिसका आज मैं संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको करके बताऊंगा। पहला गद्यांश है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। आप इसको इस तरह से लिखेंगे दोस्तों और इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे आइए देख लीजिए। दोस्तों, संदर्भ आप इसका कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से उद्धृत है दोस्तों? वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है या उत्तरित है। दोस्तों, इस पाठ का नाम आप बदल दीजिए। बाकी सभी पाठों में जब भी आप संदर्भ लिखें, जब किसी अन्य पाठ का गद्यांश लिखें, तब आप संदर्भ इसी प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर उस पाठ का नाम बदल देंगे। दोस्तों, आइए हिंदी में अनुवाद करते हैं। हिंदी में अनुवाद आप कैसे करेंगे? हिंदी में अनुवाद आपको करना है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर संस्कृत खंड को देखिए, फिर आपको मैं हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। लिखा हुआ है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्राचीन प्रसिद्ध नगरी है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है। और आगे देख लीजिए, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगा के किनारे स्थित है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घाटानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रकायाम बहु राजते। अस्या यानी इसके घाट, इसके घाट दोस्तों, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। कैसी लगती है दोस्तों? बहुत सुंदर लगती है। आगे देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है, आगे है दोस्तों, अगणता पर्यटका सुदूरेभ्या देशेभ्या नित्यम अत्र आयन्ते। अगणता यानी अनेक पर्यटक, अनेक पर्यटक, अनेक विदेशी लोग, अनेक जो है असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। और क्या लिखा है आपके गद्यांश में? और लिखा हुआ है दोस्तों, अत्र आयन्ति अस्यः घाटानाम च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसते। अस्यः घाटानाम च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ते। और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, यह है आपका हिंदी अनुवाद। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, ये आपका हिंदी अनुवाद और संदर्भ था। संदर्भ को आप जब आप
किसी अन्य पाठ का लिखें तो वहाँ पर, यहाँ पर जो लिखा है वाराणसी, यहाँ पर आप उस पाठ का नाम बदल दीजिए, डाल दीजिए, बाकी आपको संदर्भ इसी तरह से लिखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल से जुड़कर अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।